स्वागत है गाइस टेक एवे चैनल पे। तो गाइस इन्फिनिक 035G पे टेम्पर्ड ग्लास के रिलेटेड वीडियो बनाओ तो काफी सारे रिक्वेस्ट मेरे को आ रही थी, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा इस वीडियो के अंदर। बट भाई कर्व डिस्प्ले देखने में तो अच्छा लगता है, बट उसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान सबसे बड़ा तो भाई टेम्पर्ड ग्लास बहुत महंगे आता है। यदि आप किसी शॉप पे चले गए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी दुकान है, आपको 600 रुपये तक मांग लेंगे भाई, आपको बोलेंगे यूवी रेडिएशन वाला टेम्पर्ड ग्लास है, ये है वो है। भाई 600 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास कौन लगवाता है? और मैंने इन्फिनिक्स 035G पे 350 रुपये का लगवाया था, उसमें मेरे को कवर केस यूवी लाइट वगैरह सब मिली थी, आपको दिखाने वाला हूं वीडियो के अंदर। बट यदि आप देखोगे यदि आपके पास फ्लैट डिस्प्ले है तो मार्केट में 11D ग्लास आता है, वो 100 रुपये का मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको ना इतने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कौन सा टेम्पर्ड ग्लास मैंने लगाया अपने इन्फिनिक्स 035G पे और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक कर्व डिस्प्ले तक, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। भाई अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, भाई 100 लाइक्स का टारगेट है, पूरा करा दो अपना प्यार दिखा के, ठीक है। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ डिवाइस पे जो टेम्पर्ड ग्लास लगवाया है मैंने और ये जो यूवी रेडिएशन है यूवी लाइट है क्या झमेला है भाई, वो मैं आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो गाइज मैंने अपने डिवाइस पे जो लगवाया था टेम्पर्ड ग्लास, उनको इन्फिनिक्स का तो नहीं मिला बट वीवो V29 का मिला। और आप देखोगे पैकेजिंग इस तरीके की है, मार्केट में जाओगे आपको कोई 600 रुपये रेट बताएगा, कोई 500 रुपये बताएगा, तो फाइनली मेरे को 350 रुपये में मिल गया तो मैंने लगवा लिया। और इन्फिनिक्स 035G काफ़ी नया डिवाइस है तो अभी भी इसके टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिल रहा, लेकिन वीवो V29 को आराम से लग गया। अब भाई मेरे को इसमें क्या क्या मिला इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक कपड़ा मिला था कि जो साफ़ करने के लिए हमको मिल गया था टेम्पर्ड ग्लास जो कि कर्व्ड है, जो मैंने लगवा रखा है डिवाइस के अंदर। और ये हमको एक यूवी लाइट मिली थी इसके अंदर, ठीक है। तो यूवी लाइट को इसने यूज़ किया जो हमारा टेम्पर्ड ग्लास उसको जो ग्लू है उसको सुखाने के लिए। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जब उसको कनेक्ट करोगे पावर सोर्स से ये थोड़ी हीट जनरेट करती है, उसकी वजह से जो ग्लू है ना वो चिपकती है। अब भाई कर्व्ड वाला जो है मैंने लगवा तो लिया, बट शॉप वाला ये भी कह रहा था कि मेरे को 4-5 महीने में इसको चेंज कराना पड़ेगा, अदरवाइज जो ग्लू चिपकी हुई है ना डिस्प्ले के साथ वो बहुत हार्ड हो जाएगा ग्लास और वो आसानी से फिर हटेगा नहीं, तो फिर डिस्प्ले को नुकसान पहुंचा सकता है। तो भाई कर्व्ड वाला जो डिस्प्ले है अच्छा तो है, यूज़ करने में मज़ा भी आता है, बट भाई टेम्पर्ड ग्लास में बड़े नाटक हैं और बहुत ही महंगा आता है। अब गाइस मेरे पास एक और डिवाइस है, ये है रियलमी का GT Neo 3T और ये फ्लैट डिवाइस है, बट इसमें सबसे खास बात ये है मैं 11D ग्लास यूज़ करता हूँ। भाई 100 रुपये का आ जाता है, बहुत सस्ता है और कहीं भी मिल जाता है। बट गाइस ये वाला जो ग्लास है ना कर्व्ड वाला बड़ा महंगा है और हर जगह मिलता भी नहीं है, और जो फिटिंग है सबसे बड़ा पंगा तो वही है। प्लस क्योंकि इसके अंदर ये ग्लू यूज़ हो रही है, प्लस अल्ट्रा वायलेट वाला ये जो LED लाइट्स हैं जो हीट जनरेट करती हैं, उसके बाद 4-5 महीने के बाद आपको चेंज कराना पड़ेगा ग्लास, नहीं तो आपके जो डिस्प्ले है वो डैमेज हो सकती है क्योंकि जो ग्लू है वो चिपक जाता है मेन डिस्प्ले के साथ, ऐसा मेरे को बता रहा था शॉप वाला। तो मेरे को हर 4-5 महीने के अंदर 350-400 रुपये जो भी प्राइस है वो लगाने पड़ेंगे। तो भाई बड़े पंगे हैं कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के, तो सोच समझ के ही कर्व्ड वाले फ़ोन्स लीजिएगा। अभी काफ़ी सारे डिवाइसेस आ रहे हैं, मोटो का भी आ रहा है H40 Neo हो गया, और मोटो का H40 आता है, इन्फिनिक्स का आ गया, काफ़ी सारे आपको वीवो ओप्पो के डिवाइसेस पे मिल जाएंगे। तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा फ्लैट डिवाइसेस की तरफ ही रहता है, बाकी कर्व्ड वाले अच्छे लगते हैं। बट आपको ध्यान रखना यदि आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो फोन को, यदि आप प्रॉपर तरीके से संभाल सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज यदि आपके हाथ से फोन गिरता रहता है या टेम्पर्ड ग्लास आप यूज़ करते हो तो 4-5 महीने में आपको टेम्पर्ड ग्लास चेंज करना पड़ेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले की, प्राइस मैंने आपको बताई थी मेरे को 350 रुपये के आसपास पड़ा, और अनशर्ड रेट बोलते हैं आप मार्केट में जाओगे। यदि आप किसी ब्रांड का नहीं लोगे इस तरीके से जो आपको पैक्ड आता है तो आपको सिंपल लोकल जो है 250 रुपये के आसपास वो लगा देंगे। बट मैंने कहा चलो यार ब्रांड के ट्राई कर लेते हैं जो मेरे को बॉक्स भर के अंदर निकाल के दे रहे हैं, तो मैंने ये ट्राई किया और फाइनली जो रेट डिसाइड हुई वो 350 रुपये के आसपास डिसाइड हुई। उसके बाद मैंने ये जो टेम्पर्ड ग्लास है अपने डिस्प्ले पे लगवा लिया, तो अभी तक तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। टेम्पर्ड ग्लास की जो फिटिंग है बहुत अच्छी है और ऐसा कोई मेरे को इशू नज़र नहीं आ रहा है कि भाई टच काम नहीं कर रहा, टच बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बट यार जो मेन बात मेरे को बताया ना दुकान वाले ने कि भाई जो कर्व डिस्प्ले उसका भी पंगा रहता ही है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपके थोड़ा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले से रिलेटेड इन्फिनिक्स 035G में कौन सा लगेगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, वीवो V29 का यहाँ पे सेट हो गया है, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और यदि आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्यार दिखा दो, लाइक दिखा दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, 100 लाइक्स का टारगेट है वो पूरा करो, ठीक है। तो गाइस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, अभी लटा, बाय बाय, सी यू।